सुपर टेट की परीक्षा में जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति सेक्शन से दस अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं इस वीडियो में आप सुपरटेट टेट 2019 जिसकी परीक्षा उत्तर प्रदेश में उनहत्तर सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित कराई गई थी उस पेपर के जीवन कौशल पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और विगत वर्षों में पूछे गए सुपर टेट परीक्षा के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं पहला प्रश्न पूछा गया था जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है जीवन कौशल का मतलब होता है जीवन जीने की कला यानी जीवन जीने का तरीका और इसका मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है पहला विकल्प दिया गया क्षमताएं विकसित करना क्षमताएं जो शब्द है ये अपने आप में व्यापक है क्योंकि किसी भी क्षमता की बात नहीं कही नहीं कही गई है अब यहाँ पर शारीरिक क्षमता भी होती है मानसिक क्षमता भी होती है इसके अलावा अन्य क्षमताएं भी होती है जैसे कि तकनीकी क्षमताएं भी होती हैं अब उदाहरण से समझिए मान लीजिए एक बैंक का कर्मी है और एक पुलिस कर्मी है तो बैंक कर्मी के लिए ये आवश्यक है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो उसमें मानसिक क्षमता होनी चाहिए लेकिन अगर पुलिस कर्मी की बात की जाए तो मानसिक क्षमता के साथ उसमें शारीरिक क्षमता की भी आवश्यकता होगी क्योंकि पुलिस चोर को पकड़ने के लिए जाहिर सी बात है वो दौड़ भाग करेगा उसमें शारीरिक रूप से क्षमताएं होनी चाहिए तो पुलिस में आप देखेंगे अलग क्षमता की आवश्यकता है और बैंक कर्मी के अंदर अलग क्षमता की आवश्यकता है और ये जरूरी नहीं है कि सभी क्षमताएं किसी एक व्यक्ति विशेष के अंदर हों तो ये ऑप्शन आपका क्षमताएं बहुत व्यापक शब्द होने की वजह से ये उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि सभी क्षमता सभी व्यक्ति के अंदर विकसित नहीं की जा सकती और ये जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता ठीक है इस वजह से गलत उत्तर है तीसरा विकल्प दिया गया प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना अगर आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आ जाए और अपने जीवन में लोगों से सामंजस्य बैठाना ना आए तो क्या आपके जीवन में सुख शांति रहेगी नहीं रहेगी और जीवन कौशल का Uh, मतलब क्या होता है जीवन को अच्छे तरीके से जीने की कला तो इस वजह से यह उत्तर आपका नहीं हो सकता क्योंकि बहुत संकुचित उत्तर है अगला देखिए अच्छा शिक्षक बनना देखिए जीवन कौशल सिर्फ शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि सुख शांति केवल शिक्षक को नहीं चाहिए बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी जी सके यहां पर शिक्षक कहने की वजह से यह उत्तर संकुचित हो गया सिर्फ शिक्षक तक ही जीवन कौशल सीमित हो गया इस वजह से आपका उत्तर नहीं हो सकता एक ही विकल्प बना बचा ऑप्शन नंबर दो अब इसको देखिए कैसे आपका उत्तर होगा कह रहा है चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना अब देखिए मान लीजिए जैसे बैंक का कर्मी था अब उसको बैंक की जॉब छोड़ करके अगर पुलिस विभाग में आना होगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो शारीरिक क्षमताएं नहीं है जैसे कि आ, वो दौड़ नहीं सकता अभी उतने तेजी से या फिर अन्य जो शारीरिक क्षमताएं जैसे कि चेस्ट और हाइट वगैरह मांगते हैं तो उन मांगों के अनुसार अपने अंदर योग्यता उसको विकसित करनी पड़ेगी वहीं बोला जा रहा है देखिए चुनौतियों एवं मांगों अब चुनौती उसके सामने ये है कि बैंक में वो कर्मी था अब उसको पुलिस विभाग में जाना है और यही उसकी मांग है ठीक है आवश्यकता उसको पड़ी कि अब उसके अंदर योग्यता को विकसित करना है तो मांग और चुनौती के अनुसार योग्यता को विकसित करना ही जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए उम्मीद करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा ऑप्शन नंबर टू सही उत्तर है अगला प्रश्न पूछा गया था अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन मैकडूगल 1908 में मैकडूगल ने अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उनके अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है इन मूल प्रवृत्तियों के पीछे छिपे संवेग किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति विशेष को प्रेरित करते हैं तो उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन मैकडूगल अगला प्रश्न पूछा गया था सहानुभूति कौशल में व्यक्ति आगे आपसे पूछा जा रहा है दूसरा विकल्प दिया गया दूसरों को पसंद करता है जैसे कि अगर आप किसी स्कूल के टीचर को पसंद करते हैं या फिर अपने परिजनों में किसी को पसंद कर रहे हैं तो इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि आप उनके साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं पसंद करना सहानुभूति का प्रदर्शन करना नहीं होता है उत्तर गलत हो गया आगे देखिए दूसरों की अनुसार कार्य करता है अब अगर आप किसी की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो ये कतई भी मतलब नहीं है कि आप उसके साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं जैसे कि आप लोग अपने परिजनों के इच्छा के अनुसार कुछ कार्य कर रहे हैं तो ये इसका मतलब थोड़ी है कि आप उनके प्रति सहानुभूति भाव से कार्य कर रहे हैं या फिर उनके इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो ये भी उत्तर गलत हो गया चौथा देखिए हमेशा भ्रम में रहता है अब कोई व्यक्ति विशेष के प्रति सहानुभूति दिखाने पर भ्रम की स्थिति कहाँ पैदा हो रही है आप उसकी परेशानियों को समझ करके उसके प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं तो इसमें भ्रम का तो कोई सवाल ही नहीं है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया एक ही ऑप्शन बच गया दूसरों की परेशानियों को समझता है अब आप किसी व्यक्ति विशेष के परेशानी को समझ रहे हैं तभी उसके प्रति आपके अंदर सहानुभूति का भाव पैदा होता है तो ऑप्शन नंबर एक दूसरों की परेशानियों को समझता है सही उत्तर होगा अगला प्रश्न पूछा गया था पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है देखिए पुरस्कार देना एक प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा होता है यहाँ पे भी प्रत्यक्ष दिख रहा है यहाँ पर भी प्रत्यक्ष दिख रहा है लेकिन साथ ही साथ सान्त जो पुरस्कार होता है वो धनात्मक अभिप्रेरणा का कार्य करता है जो कि यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर देख लीजिए ऋणात्मक दिया गया है इस वजह से ये उत्तर गलत हो गया बाकी ये सभी उत्तर वैसे ही गलत हो गए हैं एक ही ऑप्शन आपका बचा ऑप्शन नंबर एक पुरस्कार जो है वो धनात्मक और प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा का कार्य करता है यानी कि सही दिशा में धनात्मक तौर पे लोगों को अभिप्रेरित करता है मोटिवेट करता है किसी कार्य को करने के संदर्भ में अगला प्रश्न पूछा गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आर एक्ट दो किस वर्ष से प्रभावी हुआ ध्यान दीजिएगा प्रभावी पूछा जा रहा है यहाँ पर आर एक्ट कब आया और किस वर्ष से प्रभावी हुआ दोनों में बहुत अंतर है अगर बात करें तो ये भारत के संसद से 2009 में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश भर में प्रभावी हुआ तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू 2010. अगला प्रश्न एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था स्टेटमेंट आपको दिया गया है मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे यह विचार किसके द्वारा दिया गया है तो यह स्टेटमेंट अर्बन द्वारा दिया गया था ऑप्शन नंबर तीन सही उत्तर है अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रेरक है देखिए प्रेरक को कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग बांटा गया है जैसे कि अगर गैरेट की बात की जाए तो उन्होंने प्रेरक को तीन भागों में बांटा है पहला जैविकीय प्रेरक दूसरा मनोवैज्ञानिक प्रेरक और तीसरा सामाजिक प्रेरक वहीं थॉमसन की अगर बात की जाए तो उन्होंने दो प्रेरक के बारे में बात की है पहला स्वाभाविक प्रेरक और दूसरा कृत्रिम प्रेरक और मास्लो ने इसको दो भागों में बांटा है जनजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक दूसरा तीसरा और चौथा ये सभी जनजात प्रेरक होते हैं जनजात कहने का मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसको भूख और प्यास लगने लगती है और वह अपने माता के प्रति प्रेम भी प्रदर्शित करने लगता है जब लगभग तीन चार महीने का हो जाता है तो तो ये सभी जो प्रेरक है वो बच्चे में जन्म से होती हैं इस वजह से जन्मजात प्रेरक है एक ही ऑप्शन बचा आत्मगौरव जो कि सामाजिक प्रेरक होता है देखिए आत्म का मतलब हो गया स्वयं का और गौरव मतलब अपना इमेज बनाना इज्जत बनाना समाज में समाज में अपनी इज्जत लोग बनाना चाहते हैं ताकि समाज आपको और ज्यादा प्रतिष्ठा की नजर से देखे तो यही आपका सामाजिक प्रेरक होता है आत्मगौरव आपका उत्तर होगा अगला प्रश्न पूछा गया था अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है यहाँ पर देखिए नए तरीके की बात की जा रही है और अलग ढंग से यानी मौलिकता भी है उसमें और नए तरीकों का यूज भी किया जा रहा है तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सृजनात्मकता अगला प्रश्न पूछा गया था व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू पार्सन्स ये अमेरिका के रहने वाले थे जिन्होंने 1905 और 1906 में ब्रेंड विनर्स इंस्टीट्यूट की स्थापना करके योजनाबद्ध तरीके से व्यवसायिक निर्देशन का कार्य प्रारंभ किया था आपका उत्तर पार्शंस सही होगा अगला प्रश्न पूछा गया था एन ने शैक्षिक संदर्भ में निम्न मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है तो एन के द्वारा सफाई एवं सच्चाई को भी स्वीकार किया गया श्रम को भी समानता एवं सहयोग को भी इस वजह से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार उपर्युक्त सभी दोस्तों 69000 सहायक अध्यापक भर्ती पेपर के जीवन कौशल पार्ट का कंप्लीट सलूशन आपने देख लिया आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा साथ ही 68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर और 69000 भर्ती परीक्षा के पेपर के कंप्लीट सलूशन को देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा आज के वीडियो में बस इतना ही ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करे आपका दिन शुभ हो